हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया, आज हम बनाएंगे पुलाव चटनी, जो कि बिरयानी में यूज़ होती है, नॉन वेज में, या वेज हो, या तहरी हो, खिचड़ी हो, आप कुछ भी बनाए ऐसा चावल का आइटम तो उसमें खाने में इस्तेमाल होती है। और मैं दो तरीके के बनाना बताऊंगी। पहले मैंने आपको पकौड़ों के लिए बनाना बताई थी, और ये मैं इस बार पुलाव की बनाना बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ग्रीन बनाते हैं। इसके लिए मैंने हरा धनिया ले रखा है, थोड़ा सा, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो हरा धनिया हम उसके टमाटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हरा धनिया का टेस्ट नहीं आना चाहिए, या कम भी नहीं होना चाहिए। और मैंने ये 8 कली लहसुन के लिए है, और 8 हरी मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है। ज़ीरा इसमें ऑप्शन में है, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, और चाहें तो इसमें नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम इसको मिक्सर में डाल के इसको पीस लेते हैं। हरा धनिया मैंने काट लिया है, क्योंकि पूरा डालेंगे तो पिसने में दिक्कत करेगी। और इसमें हम थोड़ा सा, आधे कप से भी कम, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और इसको बारीक पेस्ट इसका बना लेते हैं। सेकंड चटनी में मैंने लिया है टमाटर, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के ही लिए हैं। लहसुन की कली ली हैं, ये मैंने 10 से 12 ली हैं। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, और करीब 10 मैंने साबुत मिर्ची ली हैं। ये हमारी ग्रीन वाली चटनी से भी ज़्यादा थोड़ी स्पाइसी होती है, तो जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं वो ये वाली चटनी बनाएं, लाल वाली, और इसको पुलाव के साथ एंजॉय करें। तो इसको भी हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा ही करना है बस, और इसको पीस लेते हैं। ये हमारी रेड चटनी भी रेडी है। आप इसको बॉटल में करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जो रेड वाली चटनी है, अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं बॉटल में करके, तो ये आपकी 1 महीने चलेगी आराम से, ख़राब नहीं होनी है। लेकिन जो ग्रीन वाली है वो आपकी 1 हफ्ते ही चलेगी, तो आप इसको 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर लें और फ्रिज के अंदर इसको रख दें। तो आप इसको इंजॉय करिए दोनों चटनियों को पुलाव के साथ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।